सब्सक्राइब कीजिए द वीडियो कन्वे चैनल को और प्रेस कीजिए पहला आइकन को, नए वीडियोस की जानकारी पाइए सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में कंप्यूटर या लैपटॉप और अपने सिस्टम परफॉर्म से खुश नहीं है, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग या स्लो चल रहा है और आप इसे प्रूव करना चाहते हैं, आज ही वीडियो में आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे वीडियो चेरी के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें यूज करके आप डेफिनेटली आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम को परफॉर्मेंस प्रूव कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश, आपका स्वागत करता हूं द वीडियो कन्वे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आप नया कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम लेते हैं, ऐसे में शुरुआत में जो परफॉर्मेंस होती है वो एकदम फर्स्ट क्लास होती है। जैसे जैसे आपका सिस्टम पुराना होता जाता है, आपके जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो डाउन होती जाती है, आपका कंप्यूटर हैंग होने लग जाता है। तो दोस्तों, ये सब होता है आपके कंप्यूटर में जो फाइल फोल्डर बने होते हैं, इन सब की वजह से आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। आज मैं आपको विंडोज़ के ऐसे ट्रिक सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें यूज करके डेफिनेटली आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को परफॉर्मर कर सकते हैं। आइए सीख लेते हैं आखिर ये सेटिंग कौन सी है। सबसे पहले आप सेटिंग की मदद से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के परफॉर्मर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिनका नाम है डिसेबल अनवांटेड स्टार्टअप प्रोग्राम। आपने अक्सर देखा होगा, शायद आपको पता होगा, जब भी आप कंप्यूटर फिर लैपटॉप ऑन करते हैं, ऐसे में आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को स्टार्ट होने के साथ साथ वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं। जबकि आप उन एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते हैं तब भी वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप में यानी बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली चालू हो जाते हैं। वैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में लोड पड़ता है, इस वजह से कंप्यूटर हैंग होने लग जाता है या फिर जो स्लो चलने लग जाता है। तो आप इन सारे के सारे अनवांटेड अनस्टॉप को डिसेबल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड प्रेस करना है कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस डिलीट का बटन एक साथ, और इसके बाद आपको मैनेजमेंट मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। वहां आपको ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है स्टार्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, यहां आपको वो सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो आपके कंप्यूटर ऑन होने के साथ साथ स्टार्ट हो जाते हैं। यह से आप उन सारे एप्लीकेशन को डिसेबल कर सकते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। कंप्यूटर ऑन होने के साथ वो एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो, यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एंटीवायरस और किसी भी तरह के माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन को डिसेबल ना करें। आप यहां उन्हीं सॉफ्टवेयर को डिसेबल करें जो आपके अलग से इंस्टॉल है। उसके बाद आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का रिस्टार्ट करना होगा। कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन होने के बाद होते ही उसके बाद आप देखेंगे कि कंप्यूटर परफॉर्मेंस में थोड़ा तो इस इंफॉर्म डेफिनेटली आया होगा। दोस्तों, ये है इम्पोर्टेंट चैलेंज जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में परफॉर्मेंस को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आए हो, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहा होगा, लाइक ज़रूर करें। या आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्प होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में करें, और आप पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें।